हाय दिस इज विस्पी कासर नवसारी गुजरात से स्टेट आइकॉन गुजरात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड विस्पी कासर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स फाउंडर एंड प्रेसिडेंट। बहुत बहुत खुशी की बात है कि हमने एक एंडेंजर स्पीसीज को बचाया है जो पिछले 2 साल में हमने यहां पर प्लान किया था। और ये जो है आज का जो मुहिम है वो ये है कि हम एक एंडेंजर स्पीसीज की मैं बात करूंगा। प्लीज़ आप इस लाइव वीडियो को एंड तक आप देखना और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करो इसमें, क्योंकि मैं इस ऐसे स्पीसीज की बात करने वाला हूं जो पूरे वर्ल्ड में बहुत कम है और दे आर एट द एक्सटिंक्ट लेवल, जो अभी ख़त्म हो जाने वाले हैं। और इंडिया में भी गुजरात में डांग के जंगल में सिर्फ ये 5 से 6 ट्रीज बाकी है और इसका जो बेबी जो था इसको हमने यहाँ पे सर्वाइव किया है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल अर्बन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ICUN उनके माध्यम से हमें पता चला और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के माध्यम से कि ये एंडेंजर स्पीसीज में है और ये रेड डेटा बुक ऑफ वर्ल्ड के एंडेंजर स्पीसीज में ये है। इसका नाम है बॉम्बेक्स इनसिग्नी, जो सिमडो SIMDO सिमडो वेराइटी का है। ये आयुर्वेदिक कैटेगरी में पड़ता है कि नहीं इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। और हमने लास्ट ईयर मेरी ये पूरी जो टीम है विस्पिकासन एंड क्लीन एंड ग्रीन नवसारी, तो ये पूरी टीम है मेरी करण तेजस नितिन दीप श्री और ये धरव जो हर बार हमारा शूटिंग करता रहता है। और वो भी हम थैंक्स बोलते हैं अंकित पारेख एंड मयूर पटेल, वो आज यहाँ पर नहीं है, उनके साथ हमने ये किया था। तो इसका नाम है बॉम्बेक्स इनसिग्नी द वेराइटी ऑफ सिंडो और ये रेड बुक में है, रेड डेटा बुक में है। तो इस वजह से हमने 2 साल पहले इसको प्लान किया था, छोटा सा बेबी था। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना सोसाइटी लेवल पे आ जाओ अंदर, क्यों ना सोसाइटी लेवल पे हम ये करें। ये सोशल अवेयरनेस ग्रुप भी हमारे साथ जुड़ा है, जो सोशल अवेयरनेस ग्रुप के ये KP है, जिसको हम KP बोलते हैं करण, इसके साथ भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट किया था। लेकिन हमने सारे लोगों ने सोचा कि ऐसे एंडेंजर स्पीसीज को सोसाइटी लेवल पे कैसे उसको मैनेज करें। तो ये हम ठीक लक्ष्मीनगर सोसाइटी के बाहर है, ये लक्ष्मीनगर सोसाइटी है और यहाँ पर हमने ऊपर CCTV कैमरा भी इसको बचाने के लिए रखा है, क्योंकि बहुत कई लोग ऐसे होते हैं कि जो आके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे मुझे तेजस ने बताया कि सर अभी इसको संभालना पड़ेगा, ये कोई भी इसको डैमेज कर सकता है। तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि कंजर्वेशन एक्ट जो है गवर्नमेंट कंजर्वेशन एक्ट, उसमें क्रिमिनल केस हो सकता है अगर इस ट्री को अगर कोई डैमेज किए करे। और सामने की जो हमने कैमरा लगवाया है स्पेशली इसके लिए, उसमें अगर वो पकड़ा जाए तो प्लीज़ आप इसको बचाने की कोशिश करना। लक्ष्मीनगर का जो ये एरिया है शैलेश पार्क से लेकर बाहर तक, वहाँ से अगर आप जाते हो तो लक्ष्मीनगर के ठीक सामने ये आप है, यहाँ पर आइए। और हमारी पूरी टीम की रिक्वेस्ट है कि आप इसके साथ सेल्फी खींच के आप सोशल मीडिया पे एंडेंजर स्पीसीज को बचाने में हमें मदद कीजिए। हमने इसके लिए हमने प्रोफेसर SK झा, जो नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो दूर से तो आवाज़ ओछा हो से, SK झा सर से कॉन्टैक्ट किया, जो नवसारी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और वो खुद कंजर्वेशन पे काम करते हैं एंडेंजर स्पीसीज पे पूरे गुजरात में। तो उनके द्वारा हमें एक बेबी मिला था बॉम्बेक्स का, और ये बॉम्बेक्स का बेबी हमने लगवाया था। बीच में ये उसकी डेथ भी हो गई थी, जैसे ये यहाँ से मर गया था, किसी ने तोड़ दिया था इसको, ये मैं दिखाता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसा मत करो, प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है, दो हाथ जोड़ के आप इसको डैमेज मत करो। तो ये कोई तोड़ के गया था, फिर भी मेरा नसीब अच्छा है और मैं एक ऐसे इंसान से भी तो आप लोगों को मिलाता हूँ। वॉचमैन काका आइए, अंकल वॉचमैन काका, ये हमारे सोसाइटी के वॉचमैन काका है एकनाथ भाई, और ये मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते थे। हम इसको बचाने की पूरी जो हमने 2 साल जो मेहनत की है, 2018 में हमने प्लान किया था और आज ये इतना बड़ा हो गया। ये आई फील प्राउड टू से दैट ये इंडिया में फर्स्ट टाइम अर्बन एरिया में सोसाइटी लेवल पे रोड के बाजू में इसको बड़ा किया गया है। और ये डेटा मैं नहीं बता रहा हूँ, ये डेटा मुझे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में से मिला, और आप भी इसको सर्व कर सकते हो बायोडाइवर्सिटी साइट पे गूगल पे।
बराबर। और आज इसके साथ हम लोग और दो चीज करने वाले हैं जो तेजस इसका लीड करेंगे। आज जो हमारा इनिशिएटिव है उसमें क्या है कि एक हमने तीन पेड़ लगाए थे, ठीक है, वो प्लॉट में लगाए थे। तो अभी क्या है कि बिल्डर वहाँ पे अपना बंगलो बांधने वाला है, तो वो पेड़ काटने वाला है, ठीक है। तो उसमें अभी क्या है, अपना साइंटिफिकली तो अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हम उसको पूरा ट्रांसप्लांट कर सकें। तो आज हम क्या करेंगे कि उसके आजू बाजू से तीन फीट के डायमीटर से उसको पूरा खोद के उसको उठा के दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट करेंगे ताकि वो बच सके। उसको काटने के बजाय अगर हम उसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो कहीं और जगह पे उग सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात की। जैसे मैं आप लोगों से बताता हूँ, हमने पूरी टीम ने ये सारे जो लक्ष्मीनगर के बाहर आप देख रहे हो, ये एक तो इंडियन जो स्पीसीज बॉम्बेक्स इनसिग्नी, फिर ये जो बादाम का पेड़ है, यहाँ पर एक था जिसको पता नहीं कौन रात को तोड़ के चला गया था। रात को ये वॉचमैन का कहा, यही कंप्लेन करते कि तोड़ के चले गए थे लास्ट टाइम हमने प्लान किया था। तो मेरी आप लोगों से दो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज रिक्वेस्ट है, आप सपोर्ट करो हमें। इस एंडेंजर स्पीसीज को हम बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप नहीं मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वापस मैं बोल रहा हूँ, आप अपने बच्चों को लाकर यहाँ पर दिखाइए। ये एंडेंजर स्पीसीज, जैसे डायनासोर अभी नहीं है दुनिया में, वैसे ये पेड़ भी अभी नहीं रहने वाले, क्योंकि सिर्फ 5 या 6 पूरे इंडिया में बचे हैं, और डांग के जंगल में थोड़े से, और एक हमने बेबी यहाँ पे बचाया है। ये यहाँ पे जो हमने 3 साल पहले किया था, ये बादाम का पेड़ है, और ये यहाँ से जो जाते जितने भी ये लगाए हैं वो बड़े बड़े हो चुके हैं। देर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ, मैं बार बार बोलता हूँ। और एक पेड़ को खड़ा करने के लिए अगर 20 साल 25 साल लगता है, हम 1 मिनट में उसको काट देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, और आज हम यही करेंगे, जैसे तेजस ने बताया, ये यहाँ पे काम चल रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे घर के पीछे हमने 3 पेड़ लगाए थे जो बड़े हो चुके हैं, अभी वो प्लॉट बिक चुका है। कॉमन प्लॉट नहीं था, किसी का था, उसमें मैंने लगाया था, वो बिकने वाला है। तो जैसे तेजस ने बताया, वो 3 पेड़ को हम सर्वाइव करेंगे और वहाँ से हम लेके आएंगे और यहाँ पर लगा देंगे। ये लक्ष्मी नगर के एरिया में बहुत बड़े बड़े हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप प्लांटेशन करते हो, और अगर गवर्नमेंट के जगह पे भी करते हो और गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ काम करने के लिए जाती है, जैसे कि रोड मैंने शायद यहाँ पे लगाया और रोड चौड़ा करने के लिए इसको काटने वाले, तो आप लोग जाओ उनको बोलो 15-20 मिनट दो, हम इस पेड़ को यहाँ से उठा के दूसरी जगह रखते हैं। हर एक पेड़ को बचाना पड़ेगा। ऐसे ही रोड बड़ा कर दिया, पेड़ काट दिया, ऐसा मत करो। मेरी रिक्वेस्ट है कि पेड़ को काटना नहीं है। ऐसे जैसे टीचर्स ने बताया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है हमारे पास जहाँ से हम इसको रिवाइव कर सकते हैं। सो मैं ये बताता हूँ कि देखो, ये यहाँ से हमने पूरा एरिया यहाँ पे प्लान किया था, सारे पेड़ को किसी ने रात को डैमेज कर दिया था। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो देखते हैं कि ये कितने बड़े होते हैं। और ये पूरी टीम जो है, तो बॉम्बेक्स, ये अभी नया पेड़ यहाँ पे आएगा, बड़ा सा वहाँ पे वहाँ से लेके आएंगे, और ये पूरा लाइन हम यहाँ से इसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज इकोसिस्टम की बात करो, इकोलॉजी की बात करो, तो जैसे मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूँ और इनसे भी शेयर करता हूँ, इनको मैंने आज सुबह फ़ोन किया कि हम लोग को मिलना पड़ेगा। सी, वी आर कनेक्टेड विथ इनविजिबल थ्रेड, एक धागा है जिससे हम बड़े हैं, सब जुड़े हैं, एक धागा है इनविजिबल थ्रेड। और कई बार ऐसा होता है, आ जाओ सब लोग, कई बार ऐसा होता है कि ऐसा जो ये एंडेंजर स्पीसीज है, ये ऐसा जो इंडेंजर स्पीसीज है, इसको बचाने के लिए हम कुछ नहीं करते। अभी इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, बाय केपी, थैंक्स फॉर कमिंग, इसका क्या फ़ायदा है वो एसके झा सर ने मुझे बताया। मैंने उनको कल पूछा कि सर अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो बोला कि वी आर कनेक्टेड विद इनविजिबल थ्रेड। और हम में से मानते हैं यूनिवर्सिटी वाले, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले, कि एक स्पीसीज जो है अगर उसकी जानकारी हमें नहीं है और वो ऐसे ही एक्सटिंक्ट लेवल पे चला जाता है और उसका एक मेंबर मर जाता है इकोसिस्टम में से, तो वो हमारी गलती है। हम उसके बारे में नहीं जान पाए, वो हमारी गलती है, वो स्पीसीज की गलती नहीं। तो ये बॉम्बे बॉम्बैक्स जो इनसिग्नी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्री, आप क्लोजअप करो, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्री, इस तरह से यहाँ से स्प्रेड होता है। और बहुत अच्छा फील करता है कि जब इसको हम टच करते हैं, एक एंडेंजर स्पीसीज को हम बचाने की कोशिश करें। तो मैं सारे सोसाइटी लेवल पे, मैं आज ही आप सबसे अपील करता हूँ कि चलो मुझे फ़ोन करो 9825389179 पे और मुझे बुलाओ, हम आपकी सोसाइटी में आकर ऐसे एंडेंजर स्पीसीज को
हम आपको देंगे और वहाँ से हम बचाने की कोशिश करेंगे। तो यही मैं बोल रहा था कि हम जैसे हमारी गलती है, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो हम ऐसे सोचते हैं। और दूसरी बात कि हम इंसान कैसे है पता है तेजस, धर्म, नितिन, दीप कैसे है पता है कि जैसे ही पता चलेगा कि इसमें से बहुत कोरोना वायरस में हेल्प मिल रहा है तो हम इसको बचाने के लिए सारे भागेंगे और इसको बचाएंगे। तो मैं ऐसे भी कर सकता था, मैं आप लोगों से बोलूंगा कि बॉम्बेक्स जो इनसिग्नी है वो कोरोना से बचाएगा, इसके पत्ते तोड़ के खा लो, आप लोग सब बचाने के लिए भागोगे। क्यों? आप पेड़ को नहीं बचा रहे हो, आप अपने आप को बचा रहे हो। सो वी आर गेटिंग सो सेल्फिश, और ये सेल्फिशनेस में से हमें बाहर आना पड़ेगा। मतलब हमें पता नहीं है कि ये झाड़ कितना काम लगेगा तो हम इसको बचाने की कोशिश नहीं करें। जैसे ही हमें पता चलेगा कि ये ह्यूमन रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बचाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं यही चीज़ को आगे लेके जाना चाहता हूँ, इसको ये जो भी आज मुहिम चल रही है वो अंडर द गाइडेंस ऑफ नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एस के झा, उनको मुझे ये सारी चीज़ें देनी है। वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात पे जाएगा और फिर पीएमओ ऑफिस दिल्ली तक ये बात जाएगी। बिकॉज वी आर द फर्स्ट टीम इन इंडिया, मैं ऑलवेज फर्स्ट रहता हूँ, वी आर द फर्स्ट टीम इन इंडिया, वी आर द फर्स्ट टीम, अगेन बोल रहा हूँ, इन इंडिया वी फील प्राउड कि जिन्होंने अर्बन लेवल पे ये एंडेंजर स्पीसीज को आज तक नेशनल पार्क में और बायोडाइवर्सिटी गार्डन में और जो संरक्षण का जो है हिस्सा होता है वहीं पर इसको उगाने की कोशिश की गई थी। सारे बच्चे इसके मर चुके हैं, लास्ट टाइम भी हम लोग 6 बेबीज लाए थे, उसमें उन्होंने बहुत ट्राई किया, कोई उसको खड़ा नहीं कर पाया, लेकिन हम इसको खड़ा कर पाए। ये लक्ष्मीनगर सोसाइटी के बाहर गंडेवी रोड पे, वापस जो लोग नवसारी से है वो आप आइए यहाँ पर, इस एंडेंजर स्पीसीज को आप देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्री। हम यहाँ पर सोच रहे कि कुछ ऐसा बना दें ताकि गाय और भी अंदर ना जा सके, और इसको हम ऐसा सेल्फी जोन बनाने की कोशिश करेंगे। मैं नगर पालिका से भी अपील करूँगा कि हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन वॉल दे दी जाए ताकि ये एक दिन 20 ये 25 फुट तक जाएगा और आने वाले जेनरेशन के लिए एक मॉडल, जैसे हमने गार्बेज में और स्वच्छता में हमने कॉन्वेंट का एक रोल मॉडल बनाया था, वैसे मैं और विस्पिका सर एंड क्लीन एंड ग्रीन नवसारी की जो टीम है पूरी, और उनके साथ ESD कॉन्ट्रैक्टर थे जो SBI में काम करते हैं, मेरे सोसाइटी के प्रेसिडेंट है डारा भाई सूरती वो भी थे, तो इनके साथ मिलकर मैं से सोचता हूँ कि ऐसे हम प्लांट को अगर बचाएंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं और आगे फ्यूचर में इकोलॉजी सिस्टम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। फटाफट बाइक ला, अभी दूसरा जो है वो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ। तो 3 पेड़ है जो वहाँ पे प्लांटेशन ख़त्म हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन होने वाला है, उसको हम सर्वाइव करेंगे, उसको हम वहाँ से लेकर उठा के लेके आएंगे, इधर हम लाने वाले हैं। हमारी गाड़ी लॉक चले, तो फटाफट मैं आपके साथ बात करता चाहूँगा, प्लीज़ आप जुड़े रहिएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आ जाओ उधर, ये गाड़ी ले आओ, हाँ फटाफट, नहीं गाड़ी रवा दे, गाड़ी लॉक करने आ जाए। सो ये हम लक्ष्मीनगर के अंदर जा रहे हैं, मैं ऐसे सोचता हूँ कि एक भी पेड़ मरना नहीं चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं मुहिम ये पूरे गुजरात में पूरे इंडिया में मैं चाहता हूँ कि इसको लोग फॉलो करें। तो मैं अभी लक्ष्मीनगर में जा रहा हूँ, ये लक्ष्मीनगर का अंदर का एरिया है, और यहाँ से मेरे जो घर का पिछला हिस्सा है वहाँ की ओर हम लोग जा रहे हैं, जो 3 पेड़ जो बड़े हो चुके हैं और इसको हम बचाने की आज पूरी कोशिश करने वाले हैं। सो ये जो है एरिया, यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ से इसको हम लेके जाएंगे। तो रिक्वेस्ट करता हूँ मैं सारे लोगों से, नो एक्सक्यूजेस, हमको हर एक पेड़ को बचाने वगैरह। ये देखो आप, 3 साल में इतने छोटे छोटे थे ये, और ये अब देखो कितने बड़े हो गए हैं। ये मेरे घर का पिछला हिस्सा है और ये इतने बड़े हैं, ये एक है, ये दूसरा गुलमोहर का और ये तीसरा गुलमोहर का। ये तीनों पेड़ को हम वहीं पर जो आगे मैंने एरिया दिखाया वहाँ पर हम लेके जाके इसको बचाने की कोशिश करेंगे। धरव ही इज़ फ्रॉम ऑप्टोमेट्री कॉलेज स्टूडेंट है, और वो भी अपील करेगा, आपके साथ बात करेगा, वो भी रॉट्रैक कुछ क्लब भी चलाते हैं, रॉटरी क्लब ऑफ हरिजोत, उसमें भी वो मेंबर है। सो आई अपील धरव एंड उनके जो दोस्त है वो दोनों इसको अपील करेंगे आपको, प्लीज़ आप जुड़े रहिएगा, मैं आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूँ 1-2 मिनट के बाद। जोर में बोल, मैं भी धरव देसाई हूँ, मैं रोटरी क्लब ऑफ हरिजोत का प्रेसिडेंट हूँ, और ये दीप मिस्त्री है जो रोटरी क्लब ऑफ हरिजोत के सेक्रेटरी है। हम भी आपको अपील करते हैं कि प्लीज़ ट्री को काटिए मत,
उनको दूसरी जगह पे रख के सुरक्षित रखिए। हमारे वी हैव टू सेव आवर एनवायरनमेंट, क्लीन ग्रीन क्लीन नौसारी। अच्छे से हमको ट्री प्लांटेशन और पे ध्यान दे के ट्रीज को बचाना और एनवायरनमेंट को बचाना है। थैंक यू नितिन। ओके, तो देखो ये यही है कि ये ऐसा ही प्लॉट था। मैं जब से मैं शादी करके यहाँ पर आया हूँ तो मुझे करीबन 12 साल हो गए, तो ये प्लॉट ऐसे ही पड़ा था। और फिर मैंने यहाँ पर ऐसा सोचा कि मेरा घर है तो मैं यहाँ पर ऐसा लगा देता हूँ, ये पेड़ बड़े बड़े हो जाएंगे। लेकिन ये प्लॉट बिक चुका है। आई एम वेरी सॉरी, जो ओनर है उनके प्लॉट से मैं वापस लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बचाना चाहता हूँ। और ये नगर पालिका, थैंक्स टू नगर पालिका, नवसारी नगर पालिका, MLA पीयूष भाई देसाई सर, उनकी मदद, और अमीन भाई जो है उन्होंने इनको भेजा है। और हम बहुत अच्छे से इसको निकाल के उसको लग नहीं जाए वो ध्यान, थोड़ा दूर थी कर दो, दूर थी करो, नज़ीक मारो नहीं, दूरज मारो, बराबर। इसको हम लेके जाके बाहर हम प्लान करेंगे। आप दुआ करना कि ये जो 3 साल की जो मेरी मेहनत है ये बड़े पेड़ हो जाए, और मैं फ्यूचर जनरेशन को गिफ्ट में यही लेगेसी के दौर पे देना चाहता हूँ, मेरी बेटी को और आप सबको, बराबर। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है। सो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने बहुत बार मुझे हेल्प की है, और अनकंडीशनल सपोर्ट एंड लव जो आपके पास से मुझे मिला है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फेसबुक फैंस और इंस्टा एंड यूट्यूब जो भी है मेरे फैंस फॉलोइंग, उनका मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत सपोर्ट किया आज तक उन्होंने। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस चीज़ को जो रेड डेटा बुक में, वापस मैं बोल रहा हूँ, जो बॉम्बेक्स प्लांट है वो रेड डेटा बुक में आ चुका है वर्ल्ड के, और वो एक्सटिंक्ट हो जाने वाला है। हमें उससे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और उसका एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल नवसारी में सेट किया, ये नवसारी के पानी में ही है। मैं हर बार ऐसे बोलता हूँ कि जो कहीं पर नहीं होता है वो नवसारी में होता है, और हमने बॉम्बेक्स एक एंडेंजर स्पीसीज को हमने बचाया है। तो ये तीनों पेड़ को हम बाहर लगा देंगे। आपकी अगर कुछ रिक्वेस्ट है, कमेंट्स है, तेजस कहीं बाकी रह जाए, बिकॉज लाइव वक्त है, घणु पब्लिक आपने एडमायर करे छे ने पछी ए लोको क्वेश्चन्स करे छे। सो मैं यही चाहता हूँ कि आपकी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो या इसके लिए आप कुछ जानना चाहते हो एंडेंजर स्पीसीज के लिए, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं जहाँ सर के साथ एक लाइव वीडियो करने की कोशिश करूँगा और सारे क्वेश्चंस देने की, आंसर्स को देने की हम कोशिश करेंगे। तो बॉम्बेक्स इनसिग्नी को आज हमने बचाया है, और वापस मैं ये बोलता हूँ कि आप सबको भी एक एक पेड़ लगाना है और उसको बचाना है, और सोसाइटी लेवल पे इसको आप स्टार्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। को रही जाए से पॉइंट जरा, और एक अपील है आई डोनेशन की। आई एम वर्किंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर ऑनररी, आई एम वर्किंग ऑनररी एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर रोटरी आई इंस्टीट्यूट नवसारी, जो एशिया की टॉप 10 मानी जाती है, उसमें मैं आई डोनेशन पे काम करता हूँ, और संत पुनीत चक्षु बैंक। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आपके घर में अगर किसी की अनटाइमली डेथ हो जाती है, सॉरी, लेकिन आप उनकी आईज को डोनेट करके किसी को ये ब्यूटीफुल दुनिया आप दिखा सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए भी अगर कुछ मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे 9825389179 पे कॉल कर सकते हो। स्वच्छता की बात करूँ तो हमने डस्टबिन हटवाए थे नवसारी में से 6-7 2017 में, व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर नवसारी स्वच्छता, तब की बात है। थैंक्स टू कॉरपोरेशन और ये सारे नवसारी लोगों से, और ये मेरी पूरी टीम जो आज पूरी, ये तेजस जो जॉब छोड़ के HCL में काम करता है, आज उसने लीव लिया इसके लिए, ये दोनों पढ़ते हैं ऑप्टोमेट्री कॉलेज में, नितिन फार्मिंग करता है, तो वो छोड़ के आया है सब, तो इस चीज़ के लिए। तो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नवसारी के लोगों से, अगर आप रियली ऐसे बिलीव करते हो कि हमने कुछ अच्छा सा किया है, तो लक्ष्मीनगर सोसाइटी, गंडेवी रोड, नियोपोलिटन पिज़्ज़ा के सामने की जो गली है वहाँ पर आप आइए। लक्ष्मीनगर शिवदर्शन सोसाइटी के बाहर एग्जैक्ट स्ट्रेट सामने एक पेड़ उगा है जो एंडेंजर स्पीसीज में, रेड डेटा में है वर्ल्ड लेवल पे, जो बेबी था हमने उसको बड़ा किया। आप वहाँ पर आकर सेल्फी लो और शेयर करो और लोगों से अपील करो इसको। स्टे होम स्टे सेफ, लेकिन काम धंधा भी करना है, बाहर निकलना इम्पोर्टेंट भी है, उसमें भी आप संभालना। लव यू, टेक केयर।